ये रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये रहा गार्डन किस प्रकार का, और ये रहा एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस किस प्रकार का। अब हम लोग चलते हैं पार्किंग की तरफ, थोड़ा नाश्ता वास्ता भोजन ले लेते हैं साथ ही साथ। ये कुछ ये बना हुआ है लॉन, खूबसूरत लॉन है यहाँ वैसे। ये रही ट्रॉली, बैग वगैरह ले जाने के लिए ट्रॉली है। कार पार्किंग, टैक्सी पार्किंग, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों है। ये रहा कुछ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। हेलो, अभी हम आ चुके हैं, ये कुछ टी स्टॉल है, यहाँ पे हम लोग अभी चाय पियेंगे। ये कुछ अभी हमारी चाय बन रही है, तो चलिए चाय पीते हैं। हमारी चाय आ चुकी है, पी जा रही है। आशीष भाई चाय पी रहे हैं धीरे धीरे, इधर गोलू भाई भी पी रहे हैं चाय। लगभग चाय हमारी ख़त्म होने को आई है और हम लोग चाय पीने के बाद चलते हैं। गोलू भाई एकदम तैयार हो चुके हैं बैग वैग लेकर, थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, चिड़िया यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही थी तो उन लोग को थोड़ा कचौड़ी डाल देंगे तोड़ तोड़ के। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिड़िया दिख रही हैं हम। ये हम लोग की कचौड़ी पा के चिड़िया की इकट्ठा हो गई ढेर सारी। सारी कचौड़ियाँ सारी चिड़िया लेके भाग रहे हैं, कोई किधर भी खींच रहा है कोई किधर। रहे गोलू भाई ये लोग और देने के लिए अब वो हो रहे हैं कि इतनी ढेर सारी चिड़ियाँ हैं तो। ये रही चिड़िया, कुछ इस तरह का है यहाँ गार्डन पार्किंग एरिया। चलिए आप लोग कार में बैठते हैं। ये शंकर जी कुछ प्रतिमा है ऐसी, और यहाँ पे झरना चल रहा है, अभी बनाया भी जा रहा है। चलिए चलते हैं फिर, आई लव काशी। ये हमारी कार, कितना बढ़िया नज़ारा है, पूरा हैदराबाद वाला रोड लग रहा है। पानी पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत बाढ़ हुई थी, बहुत बाढ़ हुई थी, जबरदस्त पानी था। इस साइड का कुछ ऐसा नया पुल भी बन रहा है, और ये सामने रहा त्रिवेणी संगम। पास में हनुमान मंदिर भी है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो भाई साहब कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद।